अल्टरनेटिंग करंट्स मींस एसी। हमने जो अभी तक करंट पढ़ा पीछे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, मैग्नेटिक के अंदर, वो बैटरी का करंट था, डायरेक्ट करंट डीसी बोलते हैं उसे। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट जो डैम से बिजली बन के आती है, वो कभी वायर में इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, हमने एसी डायनमो में देखा था। और हमने देखा था कि अगर मान लो एक वायर में करंट है 0 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0, फिर डायरेक्शन चेंज 0 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0, और अगर हमने ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ ऐसा था कि वैल्यू कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो एसी जो डायनमो था, ऐसी ईएमएफ या ऐसा करंट पैदा करता था। अब कोई कहता है सर हमेशा ऐसा करेगा, नहीं हमेशा ऐसा करेगा नहीं। क्या ऐसा भी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या उल्टा सीधा ऐसा भी कर सकता है, यहां से भी स्टार्ट? हाँ यहां कर सकता है, जहां से भी मर्जी है, मुझे क्या पता करंट कैसे पैदा होगा, उसका ग्राफ क्या होगा, उसकी वैल्यू कैसे चेंज होगी। ये डिपेंड करता है कि डैम के ऊपर वो कॉइल पड़ी कैसे हुई है, वहां से स्टार्टिंग होती है। क्योंकि हमने जब एसी डायनमो की कंस्ट्रक्शन की थी, उसमें आर्मेचर को और फील्ड को 90 डिग्री पे रखा था, ऐसा था, सेम ऐसा था, एरिया वेक्टर और भी 90 भी था। अब कोई 90 भी ना रखे तो फिर इज ई नॉट साइन ओमेगा टी थोड़ा उसकी डेरिवेशन होगी, फिर तो कॉस भी हो सकती है। मतलब मेरे कहने का मतलब कि कोई भी एसी डायनमो या अल्टरनेटिंग करंट देखने में हमेशा ऐसा होगा नहीं, ज़रूरी नहीं है, वो ऐसा भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। लेकिन मैं वैसे बता दूं, हम कुछ और में तो जाते नहीं हैं, या तो ऐसा होगा। तो मेडिकल वालों के लिए, अगर आपका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जीरो से, तो यानी कि साइन फंक्शन है, तो करंट को लिखा जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और सेम ग्राफ अगर किसका बनाए, वोल्टेज का मतलब ईएमएफ का, तो ईएमएफ की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी, हमने एसी जनरेटर में यही तो पैदा की थी और यही तो ग्राफ था, ऐसे ही था। तो अगर ये ग्राफ है तो आंसर साइन में होगा। लेकिन अगर आपका ग्राफ ऐसा है, ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ की बजाय मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होता है और नीचे गिर रहा है, तो समझ लेना कि ग्राफ किसका है, कॉस का है। कॉस मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होता है और साइन जीरो से स्टार्ट होता है। तो करंट की इक्वेशन यहाँ पर क्या होगी, आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और अगर यही चीज़ वोल्टेज में हो तो इज ई नॉट कॉस ओमेगा टी। बस इतनी सी बात है, नॉन मेडिकल वालों को ग्राफ ऑलरेडी पता ही होते हैं कैसे हैं। तो बाकियों की समझ में आ रहा है, ठीक है यहाँ तक? और आप कहोगे अगर कोई और तरीके का करंट हुआ तो वो नहीं आएगा। आप कहोगे कि फिर ये हमें कैसे पता लगेगा कि साइन करना है या कॉस करना है। बाय डिफॉल्ट पूरी थ्योरी जो बनाई गई वो इसके साथ बनाई गई, तो हम तो यही लेके चलते हैं, स्टैंडर्ड, बात ही खत्म। अब किस किस करंट को स्टडी करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। हम एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हैं, हमारी जो वोल्टेज है वो साइनोसाइडल है, साइन के साथ चलती है, बात ही खत्म। ताकि कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, हम इसके साथ नहीं जाएंगे, किसी और के साथ नहीं जाएंगे, ये स्टैंडर्ड है हमारा। तो जब मैं बोलूँगा ऑल्टरनेटिंग करंट है तो ई इज़ ई नॉट साइन ओमेगा टी, बाई डिफॉल्ट आई इज़ आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्लियर है यहाँ तक? पर हाँ, वैसे करंट बता रहा हूँ कैसे भी चेंज हो सकता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट।